कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाएं, उस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार, लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के इस लाल बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली खबरें आप तक समय पर पहुंचे। इसके साथ ही अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह से चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार चार कदम आगे बढ़ाएगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर सरकार की सोच को सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि आज से 3 महीने पहले देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन आज रोज 3 लाख किट बन रही है। आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। पीएम ने कहा कि सीआईआई हर सेक्टर को लेकर एक रिसर्च तैयार करे और प्लान मुझे दे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि कोरोना वायरस के इस संकट में हर तरह के ऑनलाइन इवेंट शायद यही एक न्यू नॉर्मल है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज भी हमें इस वायरस से लड़ना है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को बिल्कुल वापस पाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने आगे कहा कि मुझे देश की क्षमता, टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। यही वजह है कि हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देंगे। कोरोना ने हमारी स्पीड भले ही धीमी कर दी हो, लेकिन भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज में घुस चुका है। इसके साथ ही कारोबारियों को भरोसा दिया गया कि उनके साथ पीएम मोदी खड़े रहेंगे। और आप 2 कदम आगे बढ़ाइए तो सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। राजनीति मामलों में किसी दूसरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब रोजगार पैदा करना है और विश्वास पैदा करना है, ताकि भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत हो सके। कैबिनेट में एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा को बदला। इसके अलावा कारोबार को आसान बनाने, छोटे कारोबारियों को लोन देने, रोजगार बढ़ाने के लिए कई तरह के फैसले लिए गए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव न्यूज़।